सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। युवा शक्ति फाउंडेशन गरीबों के बीच किया सैकड़ों कंबल वितरण। गिरिडीह जमुआ प्रखंड के पूर्वी भाग में संचालित संगठन युवा शक्ति फाउंडेशन हमेशा गरीबों, असहाय, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए लगातार काम करती आ रही है। फाउंडेशन के सदस्यों के द्वारा ठंडा मानसून को देखते हुए सुदूर इलाकों में झुगझुगी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब परिवारों को ठंडा से राहत के लिए कंबल का वितरण किया। फाउंडेशन की ओर से रविवार को लगभग 300 कंबल का वितरण किया गया, जो अलग अलग पंचायत सियाटाड़, गौरव, चिलगा के अंतर्गत आने वाले सभी गाँव के बीच फाउंडेशन के सदस्य आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन करके वैसे परिवार जो निम्न तबके के लोग, विकलांग, विधवा, गरीब, बुजुर्ग, उसके घर जाकर फाउंडेशन के सदस्य ने कंबल दिया। साथ ही 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी। फाउंडेशन के संस्थापक श्री कुमार ने कहा कि इस ठंड के मौसम में कुछ ऐसे परिवार हैं जिन्हें भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस पीड़ा को देखते हुए हम लोगों ने युवा शक्ति फाउंडेशन के सहारे से सभी गरीब परिवारों तक कंबल पहुंचाने का काम किया, जिससे उन्हें राहत मिल सके। वहीं फाउंडेशन के सचिव अजीत वर्मा ने कहा कि हम लोग हमेशा गरीबों के हित के लिए कार्य करते रहेंगे। सेवा परमो धर्म, सेवा ही हम लोगों का धर्म है। वहीं मौके पर उपस्थित फाउंडेशन के सदस्य संतोष वर्मा, रोहित विश्वकर्मा, महेश वर्मा, अखिल भारतीय ओबीसी महासभा दुर्योधन वर्मा, सतीश कुमार वर्मा सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। गिरिडीह से चंदन पांडे की रिपोर्ट। आज आपके द्वार कार्यक्रम युवा शक्ति फाउंडेशन की ओर से किया गया और हमारे सियाटाड़ पंचायत के विभिन्न गाँवों में जाकर हम लोग समस्त युवा फाउंडेशन के सदस्य घर जा जाकर वैसे व्यक्ति विकलांग है जो अत्यंत गरीब है, जो उसकी सरकार से कोई मूल सुविधा नहीं मिल पा रही है, वो हम लोग दिला एक छोटा सा भेंट देने का काम कर रहे हैं। और इस कड़क ठंड को देखते हुए हम लोग कंबल वितरण कर रहे हैं और हरे गांव जा जाकर हम लोग ये कार्यक्रम अभी एक दो दिन और एक कार्यक्रम निरंतर चलेगा। धन्यवाद। मैं सचिव अजीत कुमार वर्मा। युवा शक्ति फाउंडेशन की ओर से एक कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत सियाटाड़, चिलगा, नवडीहा, गोरो पंचायत के वे सभी गरीब, विकलांग, विधवा जिसके पास ठंडे में परेशानी हो रही थी, उसे फाउंडेशन ने देखते हुए पीड़ा उठाया और उन सभी लोगों को जाके उसके घर जा जाकर कंबल देने का काम किया। फाउंडेशन की ओर से यह कार्य किया गया और हम लोग हमेशा फाउंडेशन के माध्यम से गरीब, विकलांग, विधवा के लिए हमेशा काम करते आ रहे हैं और आगे भी काम करेंगे।